नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बैतूल में जीआरपी टीम ने दो तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने ट्रेन के जरिए गांजे की तस्करी किए जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जीआरपी पुलिस ने तस्करों को ट्रेन में बैठने से पहले ही दबोच लिया और उनके कब्जे से बड़े पैमाने पर गांजा जब्त की। दरअसल पुलिस को नागपुर जीआरपी से सूचना मिली थी, जिसके बाद जीआरपी अमला के पुलिस बल ने इचारसी तक सर्चिंग की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन जैसे ही बुधवार रात पुलिस बल अमला स्टेशन उतरा, तो उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दो संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये आरोपी पहली बार गांजे की तस्करी करने निकले थे। दोनों आरोपी गांजा लेकर उड़ीसा से निकलकर बैतूल आए और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे से हरियाणा जाने की फिराक में थे, लेकिन आरोपी ट्रेन पकड़ पाते इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है। दिनांक 13/9/18 को रात्रि में सर्चिंग प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन आमला में कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान ब्रिज के नीचे प्लेटफार्म नंबर 3 रेलवे स्टेशन आमला पर दो व्यक्ति पिट्ठू बैग रखे संदिग्ध हालत में दिखे, जिनसे पूछताछ दिखे, जिनको टोका गया, जो भागने का प्रयास किए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ कर गवाहनों के समक्ष पूछताछ किए, तो दोनों बैगों में गांजा होना पाया गया, जिसकी वैधानिक कार्रवाई कर की गई। कितना गांजा है और कितनी कीमत? 5-5 किलो दोनों के पास था पिट्ठू बैग में, और उसकी कीमत 20,000 रुपये करीबन